गुड मॉर्निंग, हम लोग चैप्टर 17 पे इसके एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है यानी पेज नंबर 219 इस पे थे। इसमें पिछले क्लास में हमने MCQ बतला दिया था आपको, वैसे जो स्टूडेंट नहीं कर पाए देख सकते हैं, फिर से आप टिक लगा लीजिए। यानी MCQ में कुल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं एक बार फिर से आपको संक्षेप में बतला देता हूँ। जैसे MCQ में फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट पेज नंबर आपको 219 ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट में जो होगा कथा विजन फॉर नॉट ए हेवनली बॉडी, तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सेकेंड है इसमें होगा बी, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, इसमें होगा बी। थर्ड का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट, तो सी मून। फोर्थ में आवर सन इज ए स्टार, बी। फिफ्थ में द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू मेजर डिस्टेंस इन स्पेस इज कॉल्ड लाइट ईयर, सी। इसका सी। सिक्स में द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज बी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी है ना, इसमें क्या होगा बी प्रोक्सिमा सेंचुरी। सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टेलेशन, इसका डी जुपिटर, जो डी दिया हुआ है जुपिटर वो होगा। एट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, तो इसमें आपको डी यानी सैटर्न, इसका भी डी। नाइन्थ वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इसका सही राइट आंसर ए मरकरी। और टेन में विच इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, क्या हो जाएगा वीनस, इसका बी। ये तो हो गया आपका फर्स्ट का MCQ यानी चार ऑप्शन वाले। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिया गया है ना, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया। इसमें है द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, तो पहला में भर दीजिए इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, तो द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स पहले। दूसरा का क्वेश्चन जो है यहाँ, दूसरा जो है सेकेंड का इसमें 5 है, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 क्वेश्चन है। चलिए पहला जो है स्टडी ऑफ
स्टडी दिया है पर स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द यूनिवर्स, द यूनिवर्स, यूनिवर्स इसमें बढ़ाएगा द यूनिवर्स, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। दूसरा दिया है ए लाइट ईयर, दूसरा दिया है ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर, इन वन ईयर। दूसरा में क्या बनाएगा, वन वन दिया है, वन ईयर भर दीजिए, इन वन ईयर, ठीक है। तीसरा ए ग्रुप ऑफ स्टार्स विथ ए डिफरेंट पैटर्न, स्टार तारों का वह गुच्छा जो एक निश्चित पैटर्न में सजे होते हैं, प्रतिरूप बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन, इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स व्हिच फॉर्म्स ए रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और शेप इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन, इसमें क्या बनाएगा, कॉन्स्टेलेशन। फोर्थ वाले में, थ्री वाले में कॉन्स्टेलेशन, 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 ठीक है। फोर्थ वाले में एक ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ बिलियंस, ये क्या हो गया, इसको गैलेक्सीज कहेंगे, जैसे दिया हुआ ए ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड ए गैलेक्सी, कॉल्ड ए गैलेक्सी। गैलेक्सी ये दिया हुआ है, इसमें सिंगुलर की लिखिए, इसका हो जाएगा गैलेक्सी, जी ए एल ए एक्स वाई, गैलेक्सी, गैलेक्सी, ए ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड ए गैलेक्सी। फिफ्थ में है ए कॉमेट्स टेल, कॉमेट जो पुच्छल तारा बताए थे उसके बारे में है, ए कॉमेट्स टेल एज इट अप्रोचेस द सन, तो खाली स्थान है कॉमेट्स टेल एज इट अप्रोचेस द सन, इसमें देखिए व्हेन दे कैम टू क्रॉस द सिंस कॉमेट्स अवेलेबल दे टेक, चलिए द लेंथ ऑफ इट्स टेल as the comet approaches the sun, इसका जो यहाँ इस लाइन को गौर से समझिए कि as the comet approaches the sun, the length of its tail increases, इनके टेल की जो आकार है वो बढ़ता है जब वो सूर्य की ओर होता है, टेल इज इंक्रीजेड, this is because the gases dust particle etc of the comet get pushed away by the pressure of solar radiations, to iska kya hoga, a comet's tail increases, increase bhari, isme sab word kaun banayega, increases isme hoga increases yani a comet's tail increases as it approaches the sun, और सिक्स वाले में है heavenly bodies that revolve round the sun are called planets, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं विभिन्न कक्षाओं में ऑर्बिट्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं, planets यानी ग्रह कहते हैं, इसमें क्या भरा जाएगा, planet, planets, इसमें हम क्या भर देंगे, planets। प्लैनेट्स
इसमें क्या भर देंगे? प्लैनेट्स, पी एल ए एन ई टी एस, प्लैनेट्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो गया अच्छे अच्छे, है ना। इसको देख लीजिए। अब आपको इसके बाद जो है वो है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैचिंग टेस्ट है, इसको मैच करना है। चलिए मैच द फॉलोइंग, इसको मैं मिटा देता हूँ। थर्ड वाले में इसमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें कॉलम ए और कॉलम बी है, कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम बी, ठीक है, मैच करना है। पहला है प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, है ना। पहला जो है इसका प्लैनेट नियरेस्ट, नियरेस्ट टू टू द सन, तो इसमें क्या भरेगा? सबसे निकट कौन है? तो इसका ऑप्शन बी वाला में डी होगा, डी यानी मरकरी, एन ई आर सी यू आर वाई, मरकरी, है ना। क्या होगा पहला का? डी। दूसरा जो है द ड्रॉप प्लैनेट, द ड्रॉप प्लैनेट, बोना ग्रह इसको कहा गया है, तो प्लूटो, इसका क्या होगा? सी, इसका होगा सी यानी प्लूटो, पी एल यू टी ओ, प्लूटो, इसका क्या होगा? प्लूटो। तीसरा जो है थर्ड बिगेस्ट, बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? हम जानते हैं जुपिटर, तो बी, इसका ऑप्शन सही कौन होगा? बी यानी जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर हो गया। और चौथा है अंत में जो बचा उसको लिख दीजिए, प्लैनेट वेयर, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, हमारे पृथ्वी पर जीवन है ना, इसका बच गया अर्थ, ए, इसका ऑप्शन ए यानी अर्थ, ये आपका हो गया मैच। थर्ड क्वेश्चन समाप्त। चलिए अब फोर्थ में चलते हैं। चलिए फोर्थ में हमको है फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें ऑड वर्ड को आपको स्ट्राइक आउट करना है। फोर्थ वाले में मार्स, वेनस, अर्थ, ओरियन, मार्स, वेनस एंड
ओरियन अर्थ प्लैनेट्स ओरियन नहीं है, ओरियन प्लैनेट्स नहीं है बल्कि ये कॉन्स्टेलेशन है, इसीलिए ओरियन होगा। फोर्थ का फर्स्ट में जो होगा क्या होगा, ओरियन ओरियन, ठीक है। सेकेंड में एंड्रोमेडा, मिल्की वे, पोलर स्टार। तो हम जानते हैं कि ये जो है मिल्की वे एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी इससे पहले बता चुके हैं, एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा और मिल्की वे ये गैलेक्सी का नाम है, जबकि पोल स्टार एक स्टार है, इसीलिए इसका जो होगा पोल स्टार, इसका सही ऑड वर्ड कौन हो गया, पोल स्टार, यूएली पोल स्टार, पोल स्टार। थर्ड जो है इट्स वेरी सिंपल, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर आपको कॉन्स्टेलेशन हो गया, ओरियन भी कॉन्स्टेलेशन हो गया, ग्रेट बियर को ही एक मिनट रुकिए, उर्सा मेजर ग्रेट बियर कहा जाता है, ग्रेट बियर हो गया, बिग ग्रेट बियर को ही सप्तऋषि भी कहा जाता है, बिग डीपर भी कहा जाता है। देखिए ओरियन, ओरियन एक दूसरा कॉन्स्टेलेशन है, यानी ग्रेट, उस दिन आपको पढ़ाई के क्रम में पिछले क्लास में मैंने बताया था कि उर्सा मेजर, उर्सा मेजर को ही ग्रेट बियर कहा जाता है, बिग डीपर कहा जाता है और सप्तऋषि कहा जाता है, लेकिन यहाँ ओरियन जो है दूसरा कॉन्स्टेलेशन है, इसलिए इसका स्ट्राइक आउट हम करेंगे ओरियन को, है ना, इसलिए हमारा इसमें क्या होगा, ओरियन ओरियन, ठीक है। बस तीन ही है इसमें, आपको तीन ही है, ठीक है, सात क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट ये हो गया फिफ्थ का, पहले सातों लिख लीजिए, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। फर्स्ट में कहता है नेम द गैलेक्सी, गैलेक्सी इन विच वी लिव, इसको हम क्या कहते हैं, मिल्की वे, क्या कहते हैं, मिल्की वे, हम लोग जिस गैलेक्सी में हैं उस गैलेक्सी को हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे,
मिल्की वे। द मिल्की वे पहला है, मिल्की वे, मिल्की वे हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर, है ना, इसको क्या कहेंगे, लाइट ईयर, लाइट ईयर, इसको हम क्या कहेंगे, लाइट ईयर। इसके बाद है नेम द टू प्लैनेट्स दैट आर बोथ रेफर्ड टू एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, नेम द टू प्लैनेट्स दैट आर बोथ रेफर्ड टू एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसमें पहला हो गया मरकरी, मरकरी थर्ड में, फर्स्ट में हो गया आपको मरकरी, मरकरी जिसको बुध कहा जाता है, और सेकंड में हो गया वेनस, सेकेंड हो गया वेनस, वेनस जिसको शुक्र कहा गया, शुक्र ग्रह, ये दो स्टार को कहा जाता है, ठीक है, सॉरी दो प्लैनेट्स को कहा जाता है, मरकरी एंड वेनस। नेम द प्लैनेट्स दैट हैव रिंग्स अराउंड देम, सैटर्न, इसमें रिंग है, हम जानते हैं शनि ग्रह के चारों ओर रिंग्स हैं। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, व्हिच अपीयर्स येलोइश इन कलर, रिंग प्लैनेट, इज सराउंडेड बाय सेवरल फ्लैट रिंग्स, है ना, सैटर्न हो गया, सैटर्न के चारों ओर रिंग है। सैटर्न इसमें क्या हो जाएगा, चौथा में Saturn, चलिए सैटर्न हो गया, चार हो गया, तीन बच गया। व्हिच कॉमेट कैन बी सीन एवरी 76 इयर्स, हेलीज कॉमेट, इसमें क्लियर है कौन सा होगा, हेलीज कॉमेट, HALLEY, हेलीज कॉमेट, ठीक है, ये हो गया हेलीज कॉमेट। सिक्स में विच कैन नॉट, विच कॉमेट कैन बी सीन एवरी 76, नेम द प्लैनेट विच रोटेट्स राउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे ग्रह का नाम बताइए जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है।
वेनस क्या होगा? द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ वेनस इज दैट इट रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट अबाउट इट्स एक्सिस, जबकि रेस्ट अदर प्लैनेट्स जो है दे रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपको वेनस, वेनस डी ई एन यू एस वेनस यानी शुक्र, शुक्र ग्रह जिसको कहा गया। और सातवां जो है अंतिम लास्ट वो है विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज द लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन किस प्लैनेट पे होता है? नेपच्यून जो है, नेपच्यून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन एवरी 165 इयर्स, जबकि यूरेनस को लगता है 84 इयर्स एक रेवोल्यूशन में। और इस दृष्टि से नेपच्यून होना चाहिए, जबकि जुपिटर को लगता है 4,331 डेज यानी 11.87 अर्थ ईयर, है ना। इसमें दे दीजिए आप नेपच्यून, इसमें हो जाएगा आपको नेपच्यून। दिन ना पूछ रहा, ये तो हम ईयर का कर दिए। यहाँ पर है व्हिच प्लैनेट इन सोलर सिस्टम हैज द लॉन्गेस्ट डे, इसको लिख लीजिएगा। वेनस कंप्लीट्स वन इट्स रिवॉल्यूशन 225, वेनस का हो गया 225, अर्थ तो है मार्स, नो जुपिटर, इसको रहने दीजिए, इसको आप खुद कीजिएगा, जैसे कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है ना, टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको समाप्त कर देते हैं। एक क्वेश्चन बच गया, इसको खुद लिख लीजिएगा, छः में बता दिया।